जिला मुख्यालय टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में आए दिन लूटपाट और मारपीट की घटनाएं तो सामने आती ही हैं, लेकिन बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब गोली चलाने से भी नहीं चूकते हैं। चंदेरा पुलिस थाने अंतर्गत मेनवारा की घटना है, लूटपाट और गोली मारने की घटना यहां सामने आई है। महेश शहरवार ने हमारे चैनल को जानकारी देते हुए बताया कि शादी समारोह थी, तभी बदमाश आते हैं और उसके बाद लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं। रमाशंकर अहरवार उम्र 30 वर्ष को गोली मार दी जाती है, वह जमीन पर गिर जाता है। तो पीड़ित रमाशंकर के पिता ब्रजलाल अहरवार ग्राम पंचवारा थाना उल्दन जिला झांसी उत्तर प्रदेश के हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि लाखों रुपए के जेवरात लूट ले गए हैं। पुलिस थाना चंदेरा अब बदमाशों को पकड़ने के लिए खोजबीन शुरू कर रही है। और इसी तरह निवाड़ी जिले के टेहरखा और पृथ्वीपुर मार्ग पर एक दंपति की दुपहिया वाहन रोककर चार बदमाशों ने सोने चांदी के आभूषणों पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है और वह लोग फरार हो गए हैं। मोटरसाइकिल भी वह लोग लूट के ले गए हैं और मारपीट की घटना भी सामने आई है। नाम क्या है आपका? ब्रजलाल। कहाँ से हो? पचवारा। थाना कौन पड़ता है आपका? उल्लन थाना। क्या हादसा होगा आपकी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ? हमारी पत्नी, लड़का, बहू और लड़की, ये लोग शादी में मेदवारा आ रहे थे। तो जो कोई पहाड़िया है रोड पे, पहाड़ियाँ हैं, बसाड़ी के कई पहाड़ियाँ हैं, वहाँ ये लोग बाथरूम के लिए रुक गए और रुक रही है और पाँच चार लोग आ गए उनके पास। तो कनाओ यानी कि कनाओ जो दो बहू मंगल सूट पहनी थी, लड़की मंगल सूट पहनी थी और कनाओ हार भी पहने थी दोनों एक एक, और झुमकी लड़की पहने थी, बहू भी पहने थी, पार्ले बिछुआ हाफ पेटी जी उनके पास चीज़ें थी। कुल मिलाकर के कितने लाख? कुल मिलाकर 8-8 लाख रुपए का सारा नगद नगद और चीज़ें बस्ते सब। पैसा कितना था नगद? अपाची गाड़ी नगद पैसा कितना था? 10,000 रुपया बता रहे थे लोग, 10,000 रुपये। तो हाथ थाने आ गए थे? हाँ थाने। आपको सूचना कब मिली थी? सूचना हमको तो सब साथ दो एक घंटे बाद मिली। तो आप पहुँच गए थे एक घंटे बाद? एक घंटे बाद पहुँचे हम, तो जब जीरो थाने पहुँच गए चंदेरा थाने में। तो पुलिस ने अभी क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कार्रवाई कुछ नहीं की, अभी कहना एफ आई आर लिख ली थी और यहाँ के लिए राज्य के लिए भेज दिया था। कितने बदमाश थे? बदमाश कितने बदमाश थे वो लोग? चार लोग थे। अच्छा, कहाँ से थे, किस वाहन से थे? कुछ वाहन से नहीं थे, हमारी गाड़ी अपाचे। क्या क्या लूट लूट लिया आपका? अपाचे गाड़ी ले गए, हमारी बहन की चीज़ें बस के निकाल लें, पूरी हमारी मम्मी भी निकाल लें, हमारी मिसेज की निकाल लें। तो आप लोग कितने लोग थे? हम लोग रहते चार लोग। अच्छा, चार लोग थे। तो वाहन एक ही था आपका? नहीं, दो वाहन थे। अच्छा, दो वाहन थे, अपाचे ले गए। अच्छा, तो पैसा कितना लूट ले गए? पैसा नगद कितना पैसा था? नगद 10,000 रुपया। और चीज़ें कितने लाख की थी? दो मंगलसूत्र थे। आपने बताई तो बस, दो मंगलसूत्र थे। हाँ, झुमकी कुल कीमत कितनी है सब मिला के? 8-8 लाख रुपया। 8 लाख रुपये का था। हाँ, थाने आए थे आप? चंदेरा थाना। हाँ आए थे। रिपोर्ट लिखी है आप? हाँ लिखी। कभी बदमाशों का कोई पता नहीं चला? नहीं चला। मैं जे कल लूट हुई है, ये कौन थे आपके? ये हमारे रिश्तेदार हैं, पचवारा से आ रहे थे मेंदवार निमंत्रण में, हमारी भतीजी की शादी थी और उसमें ये लोग आए हैं। वहाँ पहाड़ियों के बीच में पेशाब करने के लिए इतने गाड़ी खड़ी की, वहाँ पर चार लोग आके और जो ही कर ली गाड़ी छीन ली, पैसा छीन लिए, जो जेवर थे तीन लोगों का वो जेवर छीन लिया। और क्या और, क्या घटना हुई उनके साथ? और वहाँ पर घटना ने गोली मार के कानों पर ये गए। बाद में जब इनने फ़ोन लगाया तो हम लोग पहुँचे, जब तक कि वो गाड़ी लेके भाग गई। ये कौन हो सकते हैं? ये रमका कुशवाहा है और गुड़गुल यादव हो सकते हैं साहब। तो पुलिस ने पुलिस को सूचना दी इन बारे में? हैं जी, इस संबंध में पुलिस को बताया? हाँ, पुलिस को बताया। हम लोग इनको लेके जा रहे थे तो आगे उपरात गला पर महावीर ने पुलिस लगी थी, वहाँ पर पुलिस वाले ने हमको रोका, फिर बोले कि हम आपकी रिपोर्ट बनवाए दे रहे हैं, आपको सलाह देंगे। फिर वहाँ पर हुआ, इस मौका पर आए, मौका पर उन्होंने लिखा पढ़ी कही, उसके बावजूद मैं कहना पे जेव थाने के दरोगा जी आए, फिर वो वहाँ से अपनी गाड़ी से लेके हमें चंदेरा आए। चंदेरा में रिपोर्ट लिखी हमने, FIR, लेकिन हमें FIR दी नहीं, अभी नहीं मिली है। नहीं, अब तो वो बदमाशों का पता चला कहीं? है जी, उन बदमाशों का पता चला? बदमाशा का कोई पता नहीं चला है, सुनने में आई है कि बड़ा गाँव तरफ मोटरसाइकिल लेके गए हैं,
ये किसी लड़के ने बताया कि अपाचे गाड़ी और उसके पीछे एक डीलक्स मोटरसाइकिल से चार लोग यहाँ भागते हुए दिखाई दिए। तो उस लड़के ने पहचान लिया था क्या? हाँ, वो लड़का ने लगभग पहचाना है दूर से कि वो दोनों थे। तो अभी पुलिस क्या कार्रवाई, कुछ कार्रवाई नहीं कर? पुलिस ने अभी हाल तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस ने हमारे को वहाँ से ले आके चंदेरा लाए, चंदेरा में लखा पड़ी करने के बाद हमारा जता ट्रांसफर कर दिया और जता सिपाही उन्होंने रेफर कर दिया। ठीक है, परसों भी शायद एक लूट हुई थी। हाँ, परसों हुई थी शायद, वो अतपेई घाट पर नदी पर, वो भी 1-2 लाख रुपया का चोरी हुई थी। मोटरसाइकिल भी ले गए थे वो, पैसा ले गए थे, वो पक्की आ जा रही थी कहीं किसी।